हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और सब कैसे हैं आप? तो आज हम कुलियस के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, हमारे जो कुलियस ख़राब होने लगते हैं, तो देखिए कुछ इस तरह से होने लगते हैं। इनमें फूल भी बनने लगे हैं। तो ये मैंने इसको फूल नहीं तोड़ पाए, पिंज नहीं किया था, क्योंकि ये नीचे से भी ऐसे देखिए लैगी लैगी हो रहा है, ख़राब हो रहा है बहुत लंबा सा। और कुलियस जब छोटे होते हैं दोस्तों, तभी वो अच्छे लगते हैं, फिर ये इस तरह से इनकी शेप बिगड़ने लगती है। तो इनको हमें सेव करने के लिए दोस्तों क्या करना है, जिससे हमारे कुलियस हमेशा हमारे गार्डन में बने रहें और हमेशा ही खूबसूरती बिखेरते रहें। क्योंकि दोस्तों, इनकी पत्तियाँ इतनी खूबसूरत होती हैं कुलियस की, कि फूलों की कमी महसूस नहीं होने देती, क्योंकि रंग बिरंगी पत्तियाँ रहती हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। और मैं अपने गार्डन में सालों साल से कुलियस ऐसे ही बचाती हूँ, और कई सालों से चल रहे हैं ये मेरे गार्डन में कुलियस, कई कलर के हैं। और देखिए इतनी खूबसूरत, ऊपर से तो खूबसूरत लग रहे हैं, देख कितने प्यारे लग रहे हैं, बट नीचे से हमारे ये देखिए कुछ इस तरह से लंबे लंबे हो रहे हैं, तो ये नीचे से खाली होते जा रहे हैं, तो अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो हमें इनको बचाना कैसे है दोस्तों, उसी के बारे में बात करते हैं। तो हमें इसको क्या करना चाहिए कि कुलियस हमारे पास सेव रहें, और न्यू प्लांट्स कुलियस के तैयार हो सके, उसके लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले तो हमें ये ऐसे इनकी कटिंग ले लेनी है। तो ये कटिंग से ईजिली चल जाते हैं, कटिंग से ही लगाती हूँ मैं, और सारे प्लांट्स मैंने कटिंग से ही तैयार किए हैं। स्केटर चाहिए पड़ेगा इसके काटने के लिए, ये रखा है यहीं पे। तो हम इनकी कटिंग ले लेते हैं, और कटिंग के बाद दोस्तों हम अपनी इनकी कटिंग लगा देते हैं, और कटिंग बहुत ईजिली लग जाती है। तो आप सिंगल ब्रांच, डबल ब्रांच, कैसी भी कटिंग ले सकते हैं, छोटी से छोटी कटिंग भी इसकी लग जाती है। देखिए ये मैंने कुछ इस तरह से एक ये कटिंग ले ली है, और एक ये ले ली है, और बाकी आप और लेना चाहें तो और भी ले सकते हैं। डेरो कटिंग इसकी तैयार हो जाती है, बहुत खूबसूरत लगती है। और देखिए, तो मुझे बहुत पसंद है कुलियस का प्लांट, तो ये मैंने इतनी कटिंग ले ली है। इनको छोटे छोटे करके ही लगाना है, तो इसकी मैंने ये ले ली है, और इसको हटा देंगे हम पूरा, और कुछ इसमें से एक कटिंग ले ली है। तो हम इसमें से एक दो कटिंग ले लेते हैं, अच्छे से हेल्दी हेल्दी जो हमारे ऊपर की अच्छी सी ब्रांच होगी उनमें से हम कटिंग ले लेंगे। और इसकी कटिंग दोस्तों कैसे भी आप कटिंग ग्रो कीजिए, बहुत जल्दी लग जाती है, बहुत ईजिली लग जाती है, बहुत ईजिली इनकी कटिंग लग जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना सूखती हैं, और एकदम सैंड में भी आप लगा सकते हैं, और उसमें मिट्टी, अगर डायरेक्ट मिट्टी में भी लगाना चाहें तो उसमें भी लग जाएंगी। एक ऐसा प्लांट है कुलियस का कि इसकी कटिंग दोस्तों हर मिट्टी में चल जाती है, तो आप चाहे जैसी मिट्टी हो, सैंड हो, उसमें भी लगा लें। और मुझे बस इसलिए ये प्लांट बहुत पसंद है, क्योंकि ये हमारे गार्डन में हमेशा बना रहता है, और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती, जल्दी से तैयार हो जाता है, ईजिली तैयार हो जाता है, और देखिए बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो हम इसको सारा निकाल देंगे, और यहाँ पे कुछ मैंने प्लांट्स ये और निकाले हैं, तो इनको अलग लगाना है, सेपरेट लगा देंगे हम इनको अलग। एक ये टमाटर का प्लांट है, इसको भी हम अलग लगा देंगे। हालांकि गिलहरियाँ मेरे गार्डन में टमाटर नहीं बचने देती, सारा खा जाती हैं, तो फिर भी हम लगा देते हैं, चलो गिलहरियों का भला हो। तो हम इनको निकालते हैं, फिर इस इनको कटिंग को लगाते हैं दोस्तों। हाँ, तो फ्रेंड्स मैंने ये कटिंग ले ली है, देखिए, और यहाँ पे ये सब हटा दिया है, और देखिए इसमें सब राइस हस्क भरा था जो भी, तो डीकम्पोज हो चुका है, कितना अच्छा हो गया है, एकदम ब्राउन कलर का। और यहाँ पे देखिए मैंने कटिंग ले ली है, छोटी बड़ी कटिंग, छोटी भी ली है, कुछ बड़ी भी ली है, तो आप इजली लगा सकते हैं दोस्तों, बहुत जल्दी लग जाती है। और देखिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा ये एलोवेरा जेल में इनको डिप करना है, और बस ऐसे ही लगा देनी है। तो आप देखिए कुछ दिनों में ही, एक हफ्ता भी नहीं लगेगा दोस्तों, और इनकी रूट्स निकल आएंगी, वो बहुत जल्दी लग जाती है। छोटी से छोटी कटिंग लगा दें, बड़ी बड़ी कटिंग लगा दें, जैसी भी आपको कटिंग लगानी हो आप लगा सकते हैं। ये देखिए, तो बड़ी कटिंग लगाने का ये फ़ायदा रहता है कि बस जल्दी से ग्रो शुरू हो जाती है, और छोटी छोटी कटिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट ग्रोथ आपकी जल्दी शुरू हो जाती है। और चाहे छोटी लगाइए या बड़ी लगाइए, ग्रोथ तो होनी ही है कटिंग में, क्योंकि बहुत ईजिली लग जाती है। और बड़ी कटिंग लगाने से थोड़ा सा अच्छा भी लगता है कि प्लांट एकदम तैयार मिल जाता है हमें बहुत जल्दी। और ये देखिए कुछ मैंने ज़्यादा ही ऐसे ले ली है कटिंग, अच्छी ले ली है, थोड़ी सी हेल्दी कटिंग, बड़ी बड़ी। तो ये देखिए, हम आपको अब इसका रिजल्ट ज़रूर दिखाएंगे, बहुत जल्दी
इनमें रूटिंग शुरू हो जाती है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए दोस्तों। और हमारे इस तरह से ये हम कूलियस लगाएंगे तो हमेशा बच्चे रहेंगे, सालों साल चलते रहेंगे, कूलियस गार्डन में ख़त्म ही नहीं होंगे दोस्तों। और मेरे ये बहुत साल पुराने कूलियस हो चुके हैं तो इसी तरह से मैं अपने कूलियस सारे बचा लेती हूँ। और अब गर्मी आ रही है दोस्तों तो अभी आप इनकी कटिंग लगा दें तो बचे रहेंगे कूलियस हमारे पास। और नहीं लगाएंगे आप तो फिर आपको नेक्स्ट ख़रीदना पड़ेगा। तो आप अभी जितने भी आपके पास कूलियस हो, अगर ऐसे हो रहे हो लंबे लंबे से लेगी, तो आप इनकी कटिंग अभी लगा लें तो आराम से आपके पास कूलियस बचे रहेंगे। और सैंड में भी लगा सकते हैं दोस्तों, और आप मिट्टी में भी लगा सकते हैं। मैंने सैंड में ही लगाए हैं, देखिए प्योर सैंड में लगा दिए हैं मैंने। और बस इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे दोस्तों और हमारी ये कटिंग्स तैयार हैं लगन रही। और हमें इनको छाए में ही रखना है, धूप में नहीं रखना है, बिल्कुल भी छाए में रखना है। ये देखिए हमारी कटिंग तैयार है। तो बाय दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाय दोस्तों, हैप्पी गार्डनिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।